हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर एक बॉटम फिशिंग स्ट्रोक की बात कर रहा हूँ। बॉटम फिशिंग स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? बॉटम फिशिंग स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि ऐसा शेयर जो अपनी फंडामेंटल वैल्यूज़ के नीचे काम कर रहा है और अब लगभग अपना बेस बना चुका है या बनाने के लिए जो है तत्पर है, और उसके बाद जो है उस शेयर के अंदर डाउन साइड जो है रिस्ट्रिक्टेड होती है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं, और उसके बाद ऐसा लगता है कि कुछ समय के बाद जो है वो शेयर्स ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ आपको नज़र आए। इसी कड़ी में जिस शेयर्स को आज मैं शामिल कर रहा हूँ, उस शेयर्स का नाम है एपेक्स फ्रोजन फूड। देखिएगा, ये सी फूड की फ्रिज वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें सेल करते हैं, श्रिम्प वाले बिजनेस में भी हैं। इस सिमिलर लाइन पर मैंने एक कंपनी आपके साथ अभी थोड़ी देर पहले शेयर की है, तो उसी लाइन के ऊपर जो है ये बिज़नेस है, लेकिन इनका बिज़नेस सेम बिज़नेस नहीं है जो कंपनी मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की है। तो यहाँ पर जो फ्रोजन प्रोडक्ट्स हैं उनको ये सेल करते हैं, सी फूड्स, फार्मिंग प्रोडक्ट्स, प्रोसेसिंग और डिफरेंट टाइप्स के जो बिजनेसेस हैं वो हैं। लेकिन ये कंपनी साइज़ में एक छोटी कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखेंगे तो 670 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी की अभी हाल फिलहाल। ये शेयर मैंने क्यों चुना है ये भी आपको बताता हूँ। देखिएगा, इस शेयर का आईपीओ 2017 के आसपास आया था और तब ये शेयर 800-700 रुपए के आसपास जो है ट्रेड करता था। बहुत ही अच्छा लाइमलाइट में ये शेयर भी था, कंपनी की परफॉर्मेंस भी ठीक रही है, लेकिन कोविड ने इनकी कमर तोड़ दी। तो पिछले 1.5 साल के दौरान अगर आप देखेंगे तो एपेक्स फ्रोजन फूड का जो बिज़नेस है उसके ऊपर एक डेंट पड़ता हुआ नज़र आया, बट मुझे अब ऐसा लगता है कि अगले 3 महीनों के दौरान ये जो बिज़नेस है ये दोबारा से आपको रिकंस्ट्रक्ट होता हुआ नज़र आएगा और बिज़नेस के अंदर दोबारा से हमें लगता है कि मार्जिन्स भी और प्रॉफिट भी बढ़ते हुए नज़र आएंगे। डाउनसाइड रिस्ट्रिक्टेड है, बिज़नेस की रिप्लेसमेंट वैल्यूज़ को अगर हम ध्यान रखें तो उन सभी पैरामीटर्स पर मुझे ये शेयर बढ़िया लगता है, बट बॉटम फिशिंग स्टॉक है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, करंट प्राइस जो है वो है देखिएगा 214, तो जो करंट प्राइस है मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करता हूँ। तो 214 रुपये का करंट भाव है इस शेयर का, तो इस 214 रुपये के शेयर के भाव के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी अच्छा शेयर्स है और इस बॉटम फिशिंग स्टॉक के अंदर बाय किया जा सकता है। ये देखिएगा, 5 साल का चार्ट है, 5 साल का चार्ट आपको बता रहा है कि शेयर लगातार गिर रहा है। जब मार्केट नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा था तब भी ये शेयर अच्छा नहीं कर रहा था। क्या इसके अंदर अच्छी चीज़ है? कंपनी देखिएगा, गुड प्रॉफिट ग्रोथ है 27% की CAGR से, लेकिन पुअर सेल्स ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में। तो लास्ट 5 ईयर्स में भी आप देखेंगे तो जो भी पीछे जो अभी 1.5 साल गया उसमें सेल जो है ज़्यादा घटी है। कंपनी जो है अभी भी केवल 15 के PE रेशो पर जो है काम कर रही है। प्रॉफिट अभी कुछ इम्प्रेसिव नहीं है इसके, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर के अंदर इसके प्रॉफिट जो है लगभग साफ हो गए थे, हालांकि दिसंबर क्वार्टर इतना अच्छा होता भी नहीं है इनका। मार्च क्वार्टर भी वीक है, तो जो मार्च क्वार्टर वीक होने के साथ साथ हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लगती है कि मार्च क्वार्टर में जो वीकनेस आए तब आप इसमें और एकोमुलेट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो 215 रुपये के भाव हैं यहाँ पर इस शेयर्स के अंदर एक अच्छी बाइंग जो है बनती है रिस्क रिवार्ड के एंगल से। कंपनी की अगर आप पी रेशो देखें तो भी आपको ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी वैल्यूशंस लगे। डेट भी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा नहीं है, तो डेट भी जो है करीबन 50% है जो अभी कंपनी का शेयर होल्डर फंड है उसके सामने। तो डेट इक्विटी रेशियो भी काफ़ी इंप्रेसिव है, और अगर आप यहाँ पे 2018 में देखेंगे तो ये कंपनी 25 की EPS जो है जनरेट करती थी। 18 के बाद सारा मामला बदल गया, 19 के अंदर कुछ इफेक्ट हुआ कोविड का, लेकिन फिर भी ये 19.46 की EPS जो है जनरेट कर पाए। मार्च 20 में भी 19.4, बट अब वो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शेयर है इससे शेयर्स के अंदर डाउन साइड अब शायद नहीं बची है ज़्यादा। तो ऐसी ऊपर की मार्केट में जब मार्केट अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रही हो और उस समय ऐसे शेयर्स जो कि नहीं चले टेक्निकली, अगर आप बोलेंगे तो टेक्निकल पैरामीटर्स पर, तो आप कोई भी इस शेयर्स को खरीदने की बात ही नहीं बोलेगा। लेकिन मैं टेक्निकल पैरामीटर्स पे नहीं बोल रहा, मैं एक जो है इसको नॉलेज बेस के ऊपर, फंडामेंटल वैल्यूज़ के ऊपर, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपके साथ ये शेयर जो है डिस्कस कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस शेयर्स के अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न आ सकते हैं। मुझे लगता है कि 2 से 3 साल के अंदर 50% से लेकर 100% तक की रिटर्न्स इस शेयर्स में आनी चाहिए। और कंपनी के प्रमोटर्स की भी होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, प्रमोटर्स भी 70% से ऊपर इसमें होल्ड किए हुए हैं। प्रमोटर की होल्डिंग जबरदस्त है,
कंपनी की ग्रोथ भी जबरदस्त है, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ के अंदर कोई वीकनेस है। पिछला साल जो था, मैं आप लोग जानते हैं कोविड की वजह से इस तरीके के जो प्रोडक्ट हैं वो एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, और उसके साथ साथ जो लॉजिस्टिक वाली प्रॉब्लम्स थी उसके साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम थी, जिन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पर कोविड के सीवियर इम्पैक्ट थे। तो ये भी सिमिलरली जो है, आप समझिएगा कि इस तरीके का जो फूड रिलेटेड बिजनेस है उसी के अंदर ये कंपनी जो है काम कर रही है। और कैश फ्लो की बात करें तो करीबन 50 करोड़ के आसपास का ये कैश जनरेट करती है। 600 करोड़ की, 600 साढ़े 600 करोड़ की कंपनी अगर 50 करोड़ का कैश जनरेट कर रही है कैश फ्लो, तो इसका मतलब 12 to 13 times जो है कैश फ्लो के ऊपर ये वैल्यूशंस मिल रहे हैं। और अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखेंगे तो करीबन 20% के आसपास का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें लग रहा है। 72.62%, 72.62% जो है प्रमोटर की होल्डिंग है इस शेयर्स के अंदर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पिछले साल 18% था, लेकिन पहले देखिएगा 24 या 40% भी आपको देखने के लिए मिला। FIs की होल्डिंग हालांकि ना के बराबर है, डोमेस्टिक होल्डिंग जो है 10.92% है, रिटेल की होल्डिंग 16% है। तो अगर आप होल्डिंग देखेंगे तो FIs की होल्डिंग अगर कभी बढ़ती हुई नजर आएगी तो शेयर में एक नई जान आ सकती है। तो इस शेयर के अंदर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो है फंसे भी हुए हैं इसमें ऊपर के प्राइजेस पर। तो ये जो प्राइजेस हैं, क्योंकि ये मीडिया में काफ़ी लाइमलाइट में रहा था ये शेयर, तो बहुत सारे जो मीडिया चैनल्स को देख के शेयर्स को खरीदे हुए हैं, तो उनके पास काफ़ी बड़ी मात्रा में, तो वो भी जो है अपना होल्ड रखिएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी, क्योंकि मैंने कभी इस शेयर्स के बारे में आपके साथ बात की नहीं है पहले, और मैं फर्स्ट टाइम जो है एपेक्स प्रोजन के बारे में आपके साथ बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल बेसिस पे भी अच्छा लग रहा है मुझे। और उसके अलावा सबसे खास बात यह है कि जो बॉटम फिशिंग का जो कैंडिडेट है वो मुझे लग रहा है। अगर आप कंपनी की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो आपको कंपनी के बारे में सारी बातें जो हैं पता चल जाएगी। वहाँ से भी हमें जो हमें पढ़ने से पता चला वो सब पैरामीटर्स पर हमें जो है गुड लग रहा है। थोड़ा सी चीज़ें ये हैं कि जो बिज़नेस के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम्स तो जो देखिएगा रहती हैं, और जो सेल्स के फ्रंट पर कोविड की वजह से जो असर है वो सामने है। और कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 1995 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, तो करीब 25 साल पुरानी ये कंपनी है। तो USA, यूरोपियन यूनियन जो है, इनकी जो स्टेट की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी इम्पैक्ट करती है इनके बिजनेसेस को। तो अगर आप इनके पूरे बिजनेस के अंदर देखेंगे, प्राइस टू बुक वैल्यू के एंगल से भी देखेंगे, पी रेशियो के एंगल से भी देखेंगे, तो अपने लोएस्ट वैल्यूशंस पर हैं। हालांकि बहुत बड़ी हिस्ट्री नहीं है लिस्टिंग की, तो उन पैरामीटर्स पर प्राइस टू बुक वैल्यू में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे 1.55, और प्राइस अर्निंग रेशियो में देखेंगे तो 14.85 जो है, इस तरीके से जो है पी वैल्यूशंस आपको नजर आएंगी। तो यहाँ पर इस तरीके की दूसरी कंपनी पर भी आपकी नज़र बनेगी, वो है वाटर बेस पर बोटम। मुझे वाटर बेस पसंद इसलिए नहीं है, एक तो स्पेकुलेशन वाला ये शेयर है, दूसरी बात क्या, थापड़ ग्रुप की जो कंपनीज हैं उनकी परफॉर्मेंस पीछे पास्ट में भी बहुत अच्छी नहीं रही है, अगर कोई अगर पीछे भी इन्वेस्टेड रहा है। और इसी तरीके ग्रुप के अंदर कुछ और कंपनियाँ भी हैं जो अभी, हालांकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के नाम पर जो है इनकी कंपनी का भी बोलबाला चल रहा है, लेकिन मुझे पर्सनली जो है वाटर बेस जो है पसंद नहीं है। और बहुत समय से जो है मीडिया के अंदर इसका प्रचार काफ़ी रहा है वाटर बेस का, लेकिन मुझे इस सेक्टर में दो ही कंपनी पसंद है, एक मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, दूसरी ये कंपनी है। एक कंपनी जो है इसी तरीके से मल्टीपल टाइप की बिजनेस करती है, वो मैं सबसे पहले ही आपके साथ जो है शेयर कर चुका हूँ, तो वो सारी वीडियोज़ आपके पास पड़ी हुई। बट इस कंपनी के अंदर मुझे अब ऐसा लगता है कि बॉटम फिशिंग है, फंडामेंटल ठीक है, साउंड है, चीज़ें इंप्रूव होंगी, डिविडेंड भी कंपनी पे कर रही है। अगर आप डिविडेंड यील्ड भी देखेंगे तो भी वो आपको कंफर्टेबल लगेगी, हालांकि 1% के आसपास है डिविडेंड पे आउट, हालांकि 10% के आसपास है, क्योंकि छोटी कंपनी है तो बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे भी नहीं सकती, क्योंकि अभी ग्रोथ करने के लिए पैसे भी चाहिए। अगर आप 3 साल के यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो देखिएगा 34% हुआ है, यानी कि प्रॉफिट तो 34% की रेट से बढ़ा 3 साल के दौरान, साल दर साल, लेकिन शेयर का प्राइस 31% घटा है। तो यहाँ पर भी हमें बॉटम फिशिंग के जो है मौके जो है नज़र आते हैं। मैं अपनी जो है चर्चा यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।